upon a midnight clearing. But I am afraid. तो फ्रेंड्स आई एम राज, थैंक फॉर दिस वीडियो। ये थोड़ा जा रहे हैं भाई, संडे आज, तो अपना जो सर्विस कराना था बाइक का उसके लिए निकल चुका हूँ मैं। जो मना कर देता तो उसने 9:30 के अराउंड बुलाया था मेरे को सर्विस के लिए, और थोड़ा सा धूप हो रहा है। मैं आई थिंक लास्ट टाइम जब निकला तो बारिश हो रही थी, तो बहुत टाइम बाद मैं निकला यार इतनी धूप में। और इस पर फुटपाथ पर खड़े होने के 500 के हैं जो मैं एक बार दे चुका हूँ जो मुझे देना नहीं है। और आई थिंक इट इज कॉल्ड पावर ऑफ डोमिनार। 100 क्रॉस कर चुके ब्रो, 5th ईयर है और अपन 5th ईयर में गोली हो चुके हैं। अभी तो 6th डाला भी नहीं था मैंने, कोई नहीं। तो भाई ये बहुत दिनों बाद ये पावर यूज हो रही है। ये रूट मैंने अलग लिया है आज सर्विस के जाने के लिए, और ये थोड़ा ऑसम है। उस दिन इसका थोड़ा भीड़ था तो इसलिए मैंने नहीं लिया था। बस भाई ऑसम भाई, मेरे को लेफ्ट लेना है। परसों तो भाई अलग ही रास्ते चले गए थे अपन, वहाँ पे तो भाई मैंने नेरूले से रूट ले लिया था भाई, उसमें तो भाई फट हो गया मैं भाई, रोडे खराब भाई, जाम ही जाम। लगा इस वाले पे जाम होगा, बट आज संडे है वैसे, इसलिए ये थोड़ा ओपन है। अरे भाई साहब, रोड क्रॉस डायरेक्ट मार रहे हो यहाँ पे तुम बंदे डायरेक्ट रोड क्रॉस मार रहा था, इसीलिए यहाँ पे चला नहीं सकते। यहाँ पे सरप्राइजेस बहुत है, मतलब सरप्राइज बहुत आते हैं बीच में यार। वो क्या यार, आप लोग भी मेरा मौसम फील कर पाते हैं, मतलब हल्की धूप हो रही है बट जब चलाने पे जो ठंडी आ रही है, जो फ्रेशनेस है वो, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8:52 हो रहा है, थोड़ा जल्दी आ गया 9 के करीब। वैसे 9:30 का अपॉइंटमेंट था बट देखते हैं हो जाए तो सही है। खुला नहीं है क्या अभी तक? लाल खुलने का 9 बजे, 8 मिनट है। चलो कोई, यहाँ पे कितनी गंदी बाइक हो चुकी है देख रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा भाई, मतलब कि क्या ही बोले, मतलब पहले से गंदी पड़ी थी, बट जो मैं परसों आया था उसमें इतना ज़्यादा कीचड़ था कि उसमें बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। और हेमराज बहुत सी लग रहा है जो हमने नया ऐड किया है। तो भाई जब मैं आया वो पूरा बंद है, यहाँ पे कोई नहीं था और मैं वेट कर रहा हूँ। तो इन्होंने मतलब 9 बजे से पहले पहुँच गया था मैं, और 9:30 तक ये सारे बंदे धीरे धीरे आ रहे थे, और जैसे ही गेट खुलता है ना इनका तो और दिक्कत होगी कि भाई इनका शॉर्ट सर्किट हो रखा है और लाइट नहीं है भाई। अब लाइट आने के लिए इन्होंने बाद में बुलाया बंदों को, तो इसने और 1 घंटा लिया और बस मैं वेट कर रहा हूँ। तो बंदे को मैंने बोला, ये जो सिर्फ डोमिनार के लिए कुछ बंदे होते हैं यहाँ पे, तो इसी बंदे से मैं हमेशा कराता हूँ। तो ये बंदा आता है और मेरे डोमिनार को ले आता है सिंपल टेस्ट के लिए, एक टेस्ट राइड के लिए, ताकि वो उसमें देख सके कोई दिक्कत वगैरह। और जो इंडिकेटर टूट रखा है उसको मैं फिक्स करूँगा भाई। बहुत हैवी बाइक है, आप देख सकते हो कितने कितना हार्ड ट्राई कर रहा है बंदा पीछे ले जाने के लिए तो यही है भाई, बहुत वजन है उसमें, लेकिन जब चलती है ना भाई तो फिर इतना स्मूथ, इतना स्टेबल। मैं बोल रहा हूँ अगर आप 150 पे भी हो ना, 120 पे भी चल रहे हो, तो इतना स्टेबल नहीं देख पाओगे किसी बाइक को, ठीक है? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतनी स्मूथ चलती है। और यहाँ पर इससे और नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्सलेटर दे रहा है, सिंपल ऑन हो जाती है, ज़्यादा कोई नीड नहीं है इसको। क्लच एक्सलेटर दोनों दे रहा है वो, फाइनली ऑन हुआ, मैं गया उसके पास। तो और बच्चों की रिएक्शन देखो भाई
मतलब वहाँ पे जाता था ना मैं भाई, रोड प्रेजेंस भी है इसका, जब आप जाते हो ना तो बंदे देखते हैं भाई, मतलब बातचीत है, फिर ये आता है काफ़ी देर बाद अच्छे से घूम घाम के। इसके अलग से ही जेट इंजन चलता है, कूलिंग वाला, रेडिएटर का साउंड है वो। तो भाई अभी भी लाइट नहीं आई है, तो भाई काफ़ी देर बाद, अराउंड 1.5 घंटे 2 घंटे बाद वॉशिंग के लिए गया, और भाई बहुत टाइम लगा इसको सारे कीचड़ निकालने में। बाहर जो बाइक लगी है, खतरनाक ही बाइक लग रही थी भाई मुझे खुद याद था मैं लास्ट टाइम इतना धुला हुआ कब देखा था इसको भाई। बिल्कुल देख लो, जहर वाली बात। ऑयल वगैरह निकल रहा था, चीज़ें चेंज हो रही थी, तो भाई सर्विस अपनी हो चुकी है। और थोड़ा सा कपड़ा इसे मार देता ना बंदा, नहीं पॉलिश नहीं, ये सीट पे थोड़ा तेल लग रहा है क्या, ये देखना सर। थैंक यू यार। तो भाई अपनी हो चुकी है सर्विस। किसी ने यार इसको भी पकड़ दिया हाथों से, चिकना हो गया, इसको भी पॉलिश कर दिया है बंदे ने। लाओ 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 लाओ, थैंक यू यार। चलो भाई हो गया सर्विस। ओ भाई फर्क तो बड़ा है भाई, सर्विस के बाद तो मजा है। भाई सर्विस हो गई है और काफी खर्चा हुआ है बता रहा हूँ मैं। वैसे सर्विस जो मेन जो चीज़ें लगी है उसमें उतनी लगी, बट कुछ चीज़ें इसमें हुई हैं, कुछ पंगा हुआ है बताता हूँ, लॉजिक चीज़ों में पंगा है। अब ओ भाई भाई इसमें बातचीत तो है यार, डोमिनार वापस मुझे वही सर्विस के बाद जो फील आ रहा है ना, थोड़ा सही आ रहा है पता नहीं क्यों, मतलब बातचीत तो है यार, इंजन अब बोल रही है इसकी कतई, यार रोड खराब सब सही है। तो भाई अपनी गाड़ी गंदी ना हो जाए बस। थोड़ा क्योंकि पीछे ना मिट्टी फेंकती है, अरे यार धूल वाला एरिया यार, गंदी हो जाएगी, थोड़ा स्लो चलाना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि ये पीछे फेंकता है ना ये। हो मौज कर दी भाई, सर्विस हो गई है और बेसिकली इसमें बहुत चीज़ें हुई हैं, मतलब इंजन वगैरह चेंज हुआ है क्योंकि मैंने फर्स्ट में कराया था तो सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में मैंने कराया फिर, और इंजन ऑयल वगैरह फिल्टर वगैरह चेंज हुए हैं, बस ज़्यादा खर्चा नहीं है इसका भाई। यार बताऊँ कोई भी बाइक ले लो यार, डोमिनार में जो बातचीत है ना वो मुझे दिखी नहीं है इस रेंज में, मैंने हाई रेंज चलाई नहीं है उतनी, ठीक है, बट मुझे बहुत जहर लगती है यार पावर के उसमें, जैसे लेट्स गो फॉर 100, मैं फिफ्थ गियर में हूँ, सिक्स्थ 100 क्रॉस कर चुकी है गाड़ी, जहर मतलब इंस्टेंट ब्रेक है, कोई दिक्कत नहीं है, गियर डाउन, जहर बातचीत। और जो ग्रीन कलर है ना उसमें तो जहर, जो मैंने व्हील पे ग्रीन करा दिया उसके बाद तो हाई खतरे ही लग रही है, मैंने काफ़ी टाइम से चला ही नहीं है इसको, मतलब ना मैं बता रहा हूँ क्या सीन हो गया, इसका जो थर्ड सर्विस था वो जो सेकंड सर्विस था और थर्ड सर्विस के बीच में आई थिंक ऑलमोस्ट ईयर का गैप हो गया है, बिलीव नहीं करोगे, ये चली नहीं है। जो लास्ट इसकी सर्विस हुई थी ना वो भी बहुत जल्दी हुई थी, मैंने उसको भी इतनी चलाई नहीं थी, मतलब जैसे 4,000 रुपये होती है ना सेकेंड सर्विस हुई थी, वो 4,000 पे ना होके आई थिंक
वो हो गई थी सिर्फ 3200 पे ही कर दी थी मैंने, क्योंकि लेकिन जो ये वाली सर्विस थी इसको मुझे अगले 3 महीने के अंदर करानी थी। तो ये अभी है, मैं दिखाता हूँ, ये जो है वो अभी 7294 पे है, ठीक है। तो ये मैंने ही बोला कि भाई अभी तो 8000 हुआ नहीं है, 8 पे करानी है, तो मैं तो जल्दी जा रहा हूँ, 7000 पे ही जा रहा हूँ। लेकिन भाई वो मेरे माइंड से निकल गया कि यार उसमें टाइमिंग भी तो होती है कि भाई 3 मंथ में कराना होता है। तो इन्होंने बोला कि भाई अब पेड होगी सर्विस, ठीक है, अब वो नहीं होगी, तो अब पेड होगी, तो भाई अब तुम ये लगा लो कि 500-550-600 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे लेबर वाले, जो भी सर्विस होते हैं, ठीक है। जब मैं वहाँ पे गया, फिर इन्होंने इतना लेजीनेस से आया बंदा, एक तो लाइट ख़राब थी, फिर वो ठीक हुआ, उनका कोई फ्यूज से उड़ गया था, फिर वो ठीक हुआ, उसके बाद ये यहाँ पे गए, मतलब फिर मेरी गाड़ी खड़ी थी, मैं बंदे जो करने वाले थे वो घूम रहे थे, तो फिर धीरे 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 सब जो करने वाले थे वो ऐसे घूम रहे थे, मैं उनको बोल रहा हूँ ठीक है धुलेगी उसके बाद करेंगे, तो फिर गाड़ी धुली, फिर लगाया, मतलब वही है कि आराम आराम से काम चला था। बट जो वहाँ पे मैनेजर था उसने मेरे को बुलाया, बिठाया, चाय वाय पिलाई, ठीक है, अंदर बोला बैठो बैठो चाय पियो ये वगैरह वगैरह, तो ठीक है। कि जैसे उसने ऑयल का MRP डाला ना, तो प्राइस डाला वो मेरे को बता रहा है 1038 तो मुझे लगा पूरा प्राइस बता रहा होगा, तो मेरे लगा पूरा प्राइस तो 1700-1600-1400 जाता, तो ये तो कम दे रहा है। फिर मैंने बोला कि भाई ऐसे कैसे, मैंने चेक किया कि भाई MRP मैंने बोतल की देखी थी, तो इस बार भी वही हुआ, मैंने डब्बे की MRP देखी, 950 का था, 1.2 लीटर था, और बाकी 100-100 ग्राम के 5 और डाले, मतलब 1700 मिलीलीटर डाला, टोटल 1.7 लीटर डाला। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये तो इतने का है, तो वो बोल रहा है कि अरे हाँ इतने का है क्या। फिर उसने डब्बे जाके देखा, भाई वो तू रेगुलर बिल कर रहा है, तुझे पता नहीं है कितने का डब्बा चल रहा है तेरे पास बगल में, और तू ही उठा के डब्बा दे रहा है उसको, जो भी जाता है काउंटर पे वही बंदा देता है और वही बंदा बिल करता है। तो फिर उसने देखा, और फिर छोटे वाले का भी देख के आया वो 85, फिर उसने और कम किया, और जो परसेंटेज कम हो रही थी वो भी लगाया उसने, फिर बिल सही बना, फिर जो बिल बना वो मैं भी सही, मुझे भी बहुत सही लगा कि यार अब तो भाई एक सही रेट पे आ चुका है प्राइस सर्विस का। तो स्पेशल चाय डबल दूध डबल शक्कर फटाफट निकालो। अरे पहले के पैसे तो निकाल काका, उनका दिक्कत बात क्या करूं, क्या मेरे वक्त की राशि अलग से लग। सेटअप जो था वो वापस से सही काम कर रहा है ये, और मैं गया था वहाँ पे कराने के लिए, तो क्या था कि इसका डेट निकल चुका है ऑलमोस्ट, बाकी चल के मैं डिटेल घर में बताता हूँ। और अभी चलते अपन, हो गया सर्विस, और जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो दे दी मैंने, अब थोड़े बहुत डिटेल है, वो एग्जैक्ट प्राइस क्या है, सर्विस कॉस्ट वो थोड़ा घर जाके बता दूंगा, और नेक्स्ट में थोड़ा हाईवे टच करेंगे बाइक से, और फिर सो करूँगा मैं। धूप बहुत हो रही है भाई, धूप बहुत हो रही है, मतलब मैं ना आज निकलता थोड़ा सा हाईवे वगैरह, बट ये अपना स्टैंड सही काम कर रहा, बिल्कुल परफेक्ट टाइट कर दिया उसने, और ये इसको मूव कर सकते हैं, मतलब जैसे जिस एंगल में रखना है ना उस एंगल में हम इसको कर सकते हैं, और बाकी मूवमेंट नहीं होती इसमें। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इसका हो गया, खर्चे थोड़े हो गए भाई, ये जो वो रास्ते हैं जहाँ पे मैं बचपन से रहा हूँ। ये अरे भाई 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 भाई, खामखा का हॉर्न मार रहा है, खामखा का हॉर्न मार रहा है, इतना भी अच्छा हॉर्न लगा रखा है इसने। यार ये बहुत टाइट हो रहा है, मैंने GoPro के लिए लगाया था, इसको ढीला करना पड़ेगा। तो ये था भाई सेक्टर वगैरह, गवर्नमेंट सेक्टर से, यहाँ पे मैं बचपन से रहा हूँ भाई,
मतलब तो था लग गया है, बट इन बिल्डिंग्स में भाई अकाउंट में आया था, यहाँ पे इस बिल्डिंग में आया था मैं फिफ्थ में या हाफ फिफ्थ, और उसके बाद सिक्स से स्टार्टिंग हुई है बिल्डिंग की। इनके इन वे आ गया था भाई, बहुत सारे दोस्त, बहुत ज़्यादा याद है जन्माष्टमी, रावण जब जलाते थे साथ में सब, तो बहुत सारी यादें यहाँ पे। तो भाई सर्विस हो चुका है, और सर्विस के बाद तो भाई क्या मक्खन चल रही थी गाड़ी, जो भी मज़ा आ गया। 3 या 4 जो फ्री मिलती है हमें, उसमें से ये थर्ड सर्विस था, बट उन्होंने बोला कि पेड होगी क्योंकि आपका टाइम निकल चुका है, और टाइम वो भी थोड़ा बहुत नहीं, आई थिंक 8 मंथ या 10 मंथ निकल चुका है, क्योंकि मेरी लास्ट अक्टूबर से, आई थिंक लास्ट अक्टूबर है, पता नहीं कब, मुझे पता नहीं था, मेरी सेकेंड सर्विस हुई है। और मुझे लगा कि मैं लिटरली मैं घर से निकल नहीं रहा था, क्योंकि मेरा पहले वर्क फ्रॉम होम भी चलता था, और ऊपर से फिर मैं कहीं जाना ना होता नहीं था, वो लॉकडाउन वाली आदत पड़ गई थी, तो फिर सब कुछ यहीं होते होते, और वो भाई इतना लंबा गैप हो गया, मुझे पता भी था। और क्योंकि ना मैं एक चीज़ को फोकस कर रहा था कि मेरा 7000 नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट सर्विस मेरी बहुत जल्दी हुई थी, 3200 पे हो गया था सेकेंड सर्विस, और तो मैं सोचता कि इस बार 8000 होने देता हूँ, तो मेरा अभी भी 7200 ही है किलोमीटर, ज़्यादा नहीं चला हुआ। तो फिर मैं गया उसके पास, मुझे लगा अभी तो आर्डर नहीं हुआ है फिर भी, तो मैं चौड़ में गया, बट वो बोल रहा भाई टाइम हो चुका है और आपका पेड सर्विस भी ख़त्म हो चुका है। तो मैंने बोला भाई आप क्या करना पड़ेगा, तो वो बोल रहा है कि भाई नहीं आपको आपका पास, फिर उन्होंने तो ऐसे बोला कि भाई पे तो करना पड़ेगा ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर अंदर आप कभी भी जाते हो ना, तो वहाँ के मैनेजर से बात करो, ये आपको 50 चीज़ें बोलेंगे बंदे, और 50 चीज़ें करेंगे, तो आपको क्या करना है उसके मैनेजर से बात करनी है कि एग्जैक्ट आपको करना क्या है। अंदर बात करने के लिए कि सर ये क्या सीन है, मेरा मतलब मेरा टाइम निकल चुका है और इसमें क्या करूँ मैं, तो उन्होंने बोला कि आप एक AMC करके है वो आप ले सकते हो। तो ये मुझे टोटल पड़ा 1770 का ये AMC पड़ा। ये बोल रहे हैं कि जो सर्विस चार्ज आपके लगेंगे, वैसे 3 का होता है पर ये 4 का दे रहे हैं, तो जो भी सर्विस चार्जेस लगेंगे वो आप उसमें कट कर जाएंगे, मतलब कि सर्विस चार्ज आपके नहीं लगेंगे, अगले 4 जो सर्विस होंगे उसमें जो लेबर वगैरह जितने भी लगते हैं वो सब नहीं लगेगा और आपका फ्री हो जाएगा। तो ऑफकोर्स इसमें ना 4 सर्विस में मतलब कि आप बेसिकली 600 रुपये बचा रहे हो। आई थिंक जो बड़ी बोतल थी वो 1.2 लीटर की थी, और बाकी 5 डले हैं 100 ml के, तो टोटल लग गया 1.7 लीटर हो गया। और ये जो और उसके साथ एक फिल्टर ऑयल फिल्टर लगता है इंजन के पास, तो वो हो गया आपका 1381 का ये आया। रिज्यूमेबल चार्जेस लगाते हैं, मैंने उससे पूछा तो पता नहीं क्या क्या बोला, ग्रीसिंग व्रीसिंग ये वो पता नहीं क्या क्या चार्जेस बोला था, तो वो 80 तो टोटल कॉस्ट आया 1468 राउंड ऑफ करके 1468 का थर्ड सर्विस कॉस्ट ये आया। ठीक है, अगर वो AMC वगैरह मैं नहीं लेता तो ये आता मतलब कि वही 2200-2224 तक तो पहुँच जाता, मतलब कि 500-600 और ऐड कर लो और वो 2100 के ही पहुँच जाता। तो आपके 5 सर्विस में आपको इतना इतना और ऐड होके पे करना होता, तो इसलिए मैंने AMC ले लिया। ठीक है, मेरे को समझ में आ गया तो मैंने ले लिया। तो ये रहा पूरा, सर्विस हो चुकी है, और भाई सर्विस के बाद जो गाड़ी चली है मक्खन कतई मज़ा आ गया। और मैं ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं अपने इस चैनल पे डालता रहूँ कुछ ना कुछ बना के वीडियोस, और जल्द ही मैं कोशिश करता हूँ कहीं राइड पे चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। अब बाइक से जाते हैं या कैसे जाते हैं वो देखेंगे, बट जाएंगे। तो इस वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।